नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक ऐसे वाद्य की जो प्रेम का वाद्य है, भक्ति का वाद्य है, और मिलेंगे एक ऐसे फनकार से जिनकी जादू भरी उंगलियां जब इस वाद्य पर सात सुरों की सरगम बिखेरती हैं तो इसमें से एक ऐसी सुरीली रागनी निकल कर वादियों में गूंजने लगती है कि लगता है जैसे चारों दिशाएं गा रही हों, गुनगुना रही हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर बांसुरी वादक पंडित रघुनाथ सेठ जी की। संगीत की नगरी ग्वालियर में जन्मे रघुनाथ जी की प्रारंभिक शिक्षा तो उनके घर में बचपन से ही शुरू हो गई थी। बाद में उन्होंने लखनऊ के पंडित रतन जनकर और बम्बई में पंडित पन्नालाल घोष से बांसुरी वादन की बारीकियाँ सीखी। अपने गुरुओं से मिले मार्गदर्शन और अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के साथ वो अपने सफ़र पर आगे बढ़ते गए और कालांतर में उन्होंने शास्त्रीय संगीत के आकाश में अपना एक ख़ास मकाम बना लिया। पंडित जी ने अपनी प्रतिभा को सिर्फ शास्त्रीय संगीत तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सुगम संगीत और फिल्म संगीत के क्षेत्र में भी अपने योगदान से उन्हें संपन्न किया। कितनी ही फिल्में, फिर भी एक बार कहो ये नज़दीकियाँ, सीपियाँ, प्रणति, दामुल, एक से एक यादगार फिल्मों का संगीत उन्होंने दिया जो हम आज तक नहीं भूले हैं। पंडित जी को दूसरे बहुत से पुरस्कारों और अवार्ड्स के अलावा 1995 में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों संगीत नाटक एकेडमी के अवार्ड से नवाजा गया, जो ख़ास तौर से उल्लेखनीय है। अभी हम पंडित जी के बांसुरी वादन का रसवादन तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले उनकी यात्रा के पड़ाव और उनकी इस शानदार सफलता के बारे में बातें करेंगे उनसे। आइए चलते हैं। पंडित जी नमस्ते। मेरी तरफ से, दूरदर्शन की तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से दूरदर्शन केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से भी सबको नमस्ते। पंडित जी, आज हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। अवश्य। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका संगीत का सफर शुरू कैसे हुआ, संगीत के प्रति आपका रुझान कब और कैसे हुआ, खास तौर से बांसुरी के प्रति आपका झुकाव कैसे हुआ? ऐसा है कि मैं उस समय लगभग 8-9 साल का रहा होऊंगा जब मेरे भाई लखनऊ से आए। मैं मध्य प्रदेश में था, वहाँ पढ़ता था। तो मेरे भाई जब आए तो बांसुरी लेके आए, तो मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। और इसके अतिरिक्त एक पड़ोसी परिवार था जिसमें बंगाली लोग रहते थे और वो लोग भी बांसुरी, उसमें से एक बच्चा बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था, इसलिए सुन के मुझे लगा उसकी मैं भी बांसुरी बजाऊं। और मैंने कोशिश करी, तो कोशिश में ये कुछ लोग संगीत, लोग धुने, बुंदेलखंडी लोग धुन ऐसे निकालने की कोशिश की, और इस प्रकार धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और फिर मैं एक रेगुलर अभ्यास के रूप में उसको प्रारंभ कर दिया। पंडित जी, पन्ना बाबू के बांसुरी वादन में गायकी अंग की प्रधानता थी, जबकि आपने उसमें ख्याल अंग को उतारा, तो इसकी वजह क्या आपके वो गुरु रतन जनकर जी थे जिन्होंने आपको वोकलिस्ट होने के नाते गायन की तालीम दी, या कुछ और वजह थी, उसके बारे में हमें बताएं? मैं बताऊंगा आपको कि गायकी और ख्याल अंग तो मतलब एक ही बात। जैसे कि आपने कहा, पन्ना बाबू गायकी अंग बजाते थे जो बहुत उससे गंभीरता आती थी वादन में, इसलिए मैंने गायकी अंग को तो ग्रहण किया ही, लेकिन साथ साथ मुझे ये लगता था कि एक रिदम अंग भी एक चीज़ है जिसको जब ख्याल गायकी में लोग जाते हैं तो वो रिदम अंग जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए मैंने ये किया कि जैसे जो उस समय जो सितार वादक या सरोद वादक जो बहुत नामी ग्रामी थे, उनके कुछ अंश लेकर के मैंने एक समन्वय किया जो कि गायकी और गतकारी दोनों का एक मिलन कहना चाहिए, और दोनों का एक ब्लेंडिंग लेकर के एक पर्टिकुलर स्टाइल 1952-53 से शुरू करी, जो कि आगे अभी तक मैं उसको मेंटेन कर रहा हूँ। आपको फिल्मों के संगीत में शास्त्रीय संगीत से क्या अलग बात
आपको लगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मेरे ख्याल से मैंने इसमें, यह मेरी पहली फिल्म थी फिर भी, और फिर भी मैंने इस बात की कोशिश करी कि भारतीयता रखते हुए, शास्त्रीयता रखते हुए जी फिल्म की, संगीत की जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूरी जी करूं, जी और वो बहुत ठीक ढंग से उसका संगीत हुआ था जिसमें आज तक लोग याद करते हैं, और मन्ना डे ने अपने बेस्ट 10 गानों में हमारा गाना रखा हुआ है जो कि फिर भी फिल्म का था। जी जब एक वाद्यकार वादक एक साथ उस इंस्ट्रूमेंट का प्रभाव ज्यादा आता है, इसमें आप इसको किस हद तक मानते हैं? मैं इस बात को सत्य नहीं मानता, जी क्योंकि अगर हम फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं तो फिल्म के दृश्य की कुछ आवश्यकता है, जी उस आवश्यकता को पूरा करना वही एक सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमने कहा कि अरबिक म्यूज़िक देना है तो अगर हमारा इंडिया का कोई दृश्य है तो हम अरबिक म्यूज़िक नहीं देंगे, बिल्कुल अरबिक म्यूज़िक हम तभी देंगे जबकि हमको कोई दृश्य में उसकी ज़रूरत होगी, इसलिए वही सबसे सर्वोपरि है। और ये कहना आपका कि जैसे हम वाद्य वादक हैं तो वाद्य, हमारे वाद्य की छाप उसमें आएगी, हमारे ख्याल ऐसा संभव नहीं होता है। जी और संगीत निर्देशन एक अलग विधा है और सोलो परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस एक अलग विधा है। जब हम बजाने के लिए बैठते हैं कोई राग तो राग पूरे अपने परिपेक्ष में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, जब हम कोई संगीत का निर्देशन करते हैं, कोई फिल्म की म्यूजिक देते हैं, तो वो ज़रूरत सर्वोपरि रहती है कि सबसे पहले देखें कि ये चाहिए क्या। कलाकारों की तरफ से जानना चाहूंगी कि अगर कोई कलाकार संगीत की दुनिया में खास तौर से आगे बढ़ना चाहे, सफल होना चाहे, तो उसको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? सफलता की क्या कुंजी है आपकी नजर में? मेरे ख्याल से तो सफलता की कुंजी सिर्फ एक है, वो है साधना और लगातार प्रयत्न करते रहना और कोशिश करते रहना, यही एक लॉन्ग टर्म में जा करके सफलता बनती है। जी पंडित जी, आपने बहुत खूब कहा कि कोई भी काम, वो कला हो या कोई और साधना, लगन और मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, कोई मंजिल नहीं मिलती। और हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे भावी कलाकारों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जिंदगी की सफलता की कुंजी साधना और लगन ही है, और इसको ही अपनी हथेलियों में दबाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल मेरा आपसे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमें इतनी ज्ञान की बातें बताई, और अब वक्त आ गया है कि हम आपके बांसुरी वादन का रसपान करें। Thank you.
Thank you.
Thank you.